आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स दोनों को हम कह सकते हैं, दोनों ही ट्रेड बैरियर्स है, ट्रेड में आने वाली रुकावटें, ट्रेड को आगे बढ़ने से रोकती है ये चीज़ें। ठीक है, बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स। टैरिफ बैरियर्स जो है दे आर रिलेटेड टू टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, है ना। तो जहाँ पर हम टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने अपनी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो अगर इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी तो बाहर से ज़्यादा चीज़ें हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये ट्रेड को कहीं ना कहीं रोकने वाली चीज़ होती है। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब है दे आर नॉट रिलेटेड टू टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। आगे बढ़ते हैं, टैरिफ बैरियर्स चेंज इन द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। टैरिफ बैरियर्स के वजह से इम्पोर्टेड गुड्स की प्राइस में चेंजेस आता है, जितना टैरिफ बढ़ेगा उतना प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा, और जितना टैरिफ कम होगा उतना प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो जाएगा। नॉन टैरिफ बैरियर्स से प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज आता नहीं है। टैरिफ बैरियर्स गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलती है उसके अंदर। सो टैरिफ बैरियर्स का जितना भी परसेंटेज, जितना भी अमाउंट है, वो सब गवर्नमेंट के लिए आमदनी का ज़रिया बनता है। नॉन टैरिफ बैरियर्स से गवर्नमेंट को कोई भी रेवेन्यू होती नहीं है। टैरिफ बैरियर्स जनरल होते हैं, सबके लिए होते हैं, लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं ना, वो अलग अलग कंट्री के लिए अलग हो सकते हैं, तो दे आर कंट्री स्पेसिफिक। टैरिफ बैरियर्स को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 10% अगर इंपोर्ट ड्यूटी है तो वो सभी कंट्रीज़ के लिए सेम होने वाली है, तो इसमें समझना बहुत ही आसान है। बट यहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर्स अलग अलग फॉर्म में लगाए जाते हैं, तो उसको समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टैरिफ बैरियर्स हम जितनी मर्ज़ी चाहे उतना नहीं बढ़ा सकते, वो उसके लिए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशन हैं, उनकी जो शर्तें हैं, उनकी जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। जबकि यहाँ पर हम अपनी कंट्री में तय कर सकते हैं, अपनी जो मिनिस्ट्री है, जो ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, वो लोग भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होगा नॉन टैरिफ बैरियर, तो उसके लिए हमें कोई WTO की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जो टैरिफ बैरियर्स हैं वो रिजिड होते हैं, बहुत ही स्टिफ होते हैं, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। मतलब वो एक बार फिक्स हो गए 10% फॉर एग्जांपल, तो वो काफ़ी टाइम तक चलते रहते हैं। जबकि यहाँ पर जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हमने लगाए हैं, कोटा सिस्टम है या और कोई बैरियर्स है, तो वो बैरियर्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, उसको हम जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, और उसको जल्दी से भी हम हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। टैरिफ बैरियर्स आर लेस इफेक्टिव, वेर एज नॉन टैरिफ बैरियर्स आर मोर इफेक्टिव। नॉन टैरिफ बैरियर्स जितना हम इम्पोज करते हैं, उससे हमारा प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, मतलब उतना हमारे जो इम्पोर्टर्स है कंट्री के, वो इम्पोर्ट कम कर देते हैं, और सामने वाली कंट्री भी फिर हमारे साथ ट्रेड उतना कम करती है।